जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार योगी सरकार पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि 2017 का विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन सीएम योगी बन गए, जिसकी वजह से सरकार को पिछड़ों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। 2017 का जब चुनाव हुआ तो उसमें माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे और पूरे उत्तर प्रदेश में एक उम्मीद पिछड़ों को जगी थी, चाहे शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा रहा हो, चाहे बिंद केवट मल्लाह पाल प्रजापति रहा हो, बड़ी संख्या में पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी भारतीय समाज पार्टी गठबंधन को वोट दिया। इस उम्मीद से दिया कि ये बताया गया कि केशव प्रसाद मौर्य को हम लोग सीएम बनाएंगे, ऐसी चर्चा थी, लेकिन नहीं बनाया गया, जिससे बहुत से वोटर नाराज हैं, ये कटु सत्य है। ओम प्रकाश राजभर ने साथ ही कहा कि शराबबंदी के लिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो फिर 60% जो देश में सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 60% लोग अशिक्षित हैं, जिसमें बड़ी संख्या में शराब एक वजह है। दूसरी चीज कि सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, 25-30% शराब की वजह से हो रहे हैं। तो ये प्रदेश में गुजरात मॉडल, महिलाओं का कहना है कि एक मॉडल खाली लागू हो जाए जो शराबबंदी हो जाए। तो अब सरकार में हैं आप, फिर क्या शराब में अंदर हम इसमें लड़ते रहते हैं ना, शराब को लेकर के जब जब आबकारी नीति कोई आती है तो मैं वहाँ इस बात को रखता हूँ। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। गौरतलब है कि राजभर पिछले काफी वक्त से लगातार योगी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से नदीम अहमद की रिपोर्ट।